तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले को सवाल को अगर देखोगे क्वेश्चन को, कि ये बॉडी ऑफ मास MKg मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, चलो अगर एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, तो आने एक नहीं भाई 10 kg है, तो अगर कोई 10 kg की बॉडी है जो आराम से मोशन कर रही थी, ठीक है, तो ये जो मास है स्टार्ट विथ इनिशियल स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितना था 20 m/s, और ये इनिशियल स्पीड था, जब समय 0 था तो इनिशियल स्पीड यहाँ 10 kg था ये, और ये आगे जा रही है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्लोर, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर बॉडी का जो मोशन है वो स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पर बॉडी स्टॉप हो गई। तो अगर यहाँ पे बॉडी स्टॉप हो गई तो तुम देखोगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से टाइम 0 था और यहाँ पे आने में टाइम 5 सेकेंड लग गया, तो ये जो डिस्टेंस एक्स चली है वो भी तो हमें नहीं पता है कि एक्स कितनी चली। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब भाई बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी म्यू के हमें निकालना है, समझ में आया? तो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट ए पर थी, पॉइंट बी पर है, तो यहाँ पर कभी बीच में सी पर रही होगी, तो अगर मैं सी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो सी पॉइंट पर इधर की डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, और नॉर्मल ऊपर गया, एम जी नीचे गई, ठीक है, क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसको दे के छोड़ दिया गया, थोड़ा सा रुको और सोचो। तो यहाँ से तुम देखोगे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, और दैट इज म्यू एन, और यहाँ से म्यू एन और एम जी के इक्वल होगी, तो यहाँ से एम ने एम को काट दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी, ये वाला, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से म्यू जी। अगर ए की वैल्यू म्यू जी यहाँ से आ गया तो तुम देखोगे यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, B²-A²=2AS लगा दो फ्रॉम A टू B, तो ए से बी तक अप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर ए से बी तक अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, फाइनल स्पीड 0²-initial speed 20²-retard or 2 retardation म्यू जी के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी चली है, दिया होगा मेरे भाई, हाँ दिया है, बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड, ओ म्यू निकाल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो भी इज इक्वल टू U+AT लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, इससे भी सस्ता इक्वेशन हमारे पास है। तो फाइनल स्पीड 0, initial 20, रिटार्डेशन म्यू जी के बराबर हो गया और टाइम 5 सेकेंड आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 50 50 μ = 20, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/5, 2/5 मतलब 0.40, तो 0.40 इसका मतलब ये हुआ 0.4, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।